जामताड़ा नगर स्थित सेंट जोसेफ स्कूल के प्रांगण में जामताड़ा जिला खो खो एसोसिएशन के तत्वाधान में स्वर्गीय अचिन सेन मेमोरियल खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जामताड़ा के विभिन्न स्कूलों एवं क्लब से बालक वर्ग के 10 टीम एवं बालिका वर्ग की 6 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि समाज सेवी चमेली देवी एवं अति विशिष्ट अतिथि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद ज्योति मिंज ने संयुक्त रूप से सभी विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। अंडर 14 बालक वर्ग में विजेता सेंट जोसेफ स्कूल जामताड़ा एवं उपविजेता उत्क्रमित बुनियादी हाई स्कूल मेजिया, अंडर 17 बालक वर्ग में विजेता जामताड़ा खो खो क्लब उपविजेता सेंट जोसेफ स्कूल जामताड़ा, बालिका वर्ग में विजेता उत्क्रमित उच्च विद्यालय मेजिया एवं उपविजेता सेंट जोसेफ स्कूल जामताड़ा रहे। सभी खो खो खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अतिथि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आनंद ज्योति मिंज ने कहा कि वर्तमान समय में बच्चे मोबाइल में ही सिमट के रह जा रहे हैं। अब बच्चे को घर से बाहर निकलने के लिए पेरेंट्स काफी परेशान हो रहे, इसलिए अब अभिभावकों को भी काम से कम बच्चों को ग्राउंड में 1 घंटा आवश्यक रूप से खेलने के लिए भेजें, जिससे कि बच्चे बच्चियों का शारीरिक मानसिक के साथ साथ बौद्धिक विकास हो सके। इस अवसर पर मुख्य अतिथि समाज सेवी चमेली देवी ने कहा कि हम सभी का प्रयास रहता है जामताड़ा के बच्चे बच्चियां खेल के क्षेत्र में जामताड़ा जिले का नाम रोशन करें। इस उद्देश्य इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन समय समय पर होता रहता है। राज्य खो खो संघ के संयुक्त सचिव दीपक दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि जामताड़ा जिले में खो खो खेल के खिलाड़ी काफी जोरों से उभर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जामताड़ा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।